हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मेरे चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और राधे राधे। आज मैं आप लोगों के साथ दो चीज़ें शेयर कर रही हूँ। वूलन क्लोथ को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा जाए, क्योंकि सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं तो उसको सेफ रखना भी ज़रूरी है। और मैं किस तरह से उसको कैरी करती हूँ, किस तरह से उसको रखती हूँ। और दूसरा है कि बेसन की बड़ी की सब्जी, उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। अभी वीडियो में आगे आप लोगों को दिखेगा। और कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा है ये। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मेरे वीडियो के फीचर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी इसे शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे मैं अपने चिप्स बना रही हूँ, क्योंकि होली आ रही है तो तैयारियाँ करनी ही हैं। तो ये मैंने चिप्स काटे हैं और अभी बॉइल करके छत पे इसको फैला दूंगी। चिप्स बनाने के बाद सावर लेके आई और उसके बाद नाश्ता किया और फिर मैं अपने काम में लग गई। वूलन क्लोथ जो है मैं उसको ऑर्गेनाइज यहाँ पे कर रही हूँ। सोचा इसका भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। और सबसे पहले वूलन कपड़ों को अच्छी तरह से धुल के सुखा के और आयन करके तब इसको ऑर्गेनाइज करना है। आयन इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी जो कपड़े होते हैं वो सूखते नहीं हैं और हल्की सी भी अगर नमी रह जाती है तो वो जो उसमें कीड़े मकोड़े हल्के फुल्के लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ। इसको रखने के लिए आप कोई बड़ा सा थैला ले सकते हैं और इसमें आप अपने वूलन क्लोथ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और सबसे पहले नीचे एक न्यूज़पेपर बिछा दीजिए और उसके बाद जो जैकेट वगैरह हैं उसको किसी पॉली बैग में रख के तब नीचे रखिए ताकि नमी ना पकड़े। और जितने भी पॉली बैग हैं तो उसको सबसे नीचे रखना है। उसके बाद जो कपड़े फोल्ड किए हैं वूलन के वो वन बाय वन इसमें रख सकते हैं।
कपड़े रखने के बाद आप इसमें एक कुनैन की जो गोली आती है मार्केट में, किसी भी जनरल स्टोर वगैरह पे मिल जाएगी, उसको दोनों तरफ एक एक रखना है। इससे ये होगा कि जो इसमें जो फंगस वगैरह उड़ीन कपड़ों में लगते हैं वो नहीं लगेंगे और हमारे कपड़े जो है सेफ रहेंगे। तो इस तरह से आप इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने दो बैग में इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ उलिन क्लोथ को, और इसको जहाँ भी रखना हो उसके बाद इसको आप रख सकते हैं। इस तरह से रखना सेफ्टी होता है, क्योंकि आजकल कपड़े इतने महंगे हो गए हैं कि हर साल खरीदना संभव नहीं है सर्दी के मौसम में। तो अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आप इसको रख सकते हैं, जहाँ भी रखना चाहें, दीवान में या बॉक्स में, एवरीथिंग, जहाँ भी आप रखना चाहें। तो मैं यहाँ पे अपने दीवान में रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह थी मेरी, तो यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से सेव करके रख दूंगी। कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के बाद मैं यहाँ पे अपने रूम को भी थोड़ा मेंटेन की, क्योंकि जब हम ऐसे काम करते हैं तो रूम मेसी हो जाता है। कितना कोशिश करें, और रूम को मेंटेन करने के बाद फिर हम लोगों ने लंच किया, और लंच करने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा आराम किया। साहब मेरे यहाँ सो रहे हैं, और क्योंकि सुबह से मैं थक गई थी, काम इतने ज़्यादा थे, चिप्स काटना, कपड़ों को ऑर्गेनाइज करना और बाकी चीज़ें, जो हाउस वाइफ हैं वो इस चीज़ को समझती होंगी कि कैसे करना होता है। फिर शाम की चाय पीने के बाद जो कपड़े धुले थे उसको मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, रख रही हूँ उसको अपनी जगह पे। और क्योंकि चीज़ें जो होती हैं, जो जहाँ से जब निकाले वहीं रखें तभी सही रहता है, और अच्छी तरह से वो मेंटेन भी रहता है, और फिर उसके लिए हमें दोबारा समय नहीं देना पड़ता है। तो जो चीज़ें जहाँ से उठाएं वहीं रखें, तो चीज़ें जो हैं मेंटेन रहती हैं। बाद मैं यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी करने लगी, बेसन की बड़ी बनाने लगी। और मैंने यहाँ पे 1.5 कप बेसन लिया है, और जो भी बाकी मसाले हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाले, सबको मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया, यानी 1/2 चम्मच। और इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिए, क्योंकि उसमें मैं मसालों का मैनेजमेंट जो है वहाँ पे डाल दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें हल्का हल्का पानी डाल के और इसका जो है पेस्ट बनाना है, ना ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा थिक रखना है। उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा करके तल लेना है।
इस तरह से थोड़ी थोड़ी बाइट लेके सारी बड़ियों को तल लेना है, और ये बहुत अच्छी से फूल जाती हैं बेसन अगर सही है तो। और इस तरह से करके जितने भी मतलब घोल है उसको इस तरह से सारी बड़ी बना के और तल लेना है अच्छी तरह से। और उसके बाद जो जब हल्का ब्राउन हो जाए तब इसको निकाल लेना है। फिर उसी कढ़ाई में मैंने तड़के के लिए मेथी, मस्टर्ड सीड, तेजपत्ता और हरी मिर्च को लिया है। इसमें वन बाई वन करके डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम भूनेंगे। और जब तक ये भूनेंगे तब तक उसके लिए घोल इसका जो है हम तैयार कर लेंगे। घोल तैयार करने के लिए मैंने 250 ग्राम दही लिया है और 2 टेबल स्पून बेसन लिया है, और हल्दी, नमक, मिर्च जो है इन सब को आधा टेबल स्पून लिया है, और सब चीज़ों को अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। चम्मच से नहीं हो रहा था तो मैं हाथ से ही इसको घोल बना रही हूँ और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें कढ़ाई में जो है तड़का जिसमें हम डाले हैं उसको इसमें हम डाल देंगे। घोल डालने के बाद इसको हमेशा चलाते रहना है, क्योंकि जब हम चलाएंगे नहीं तो इसमें जो लम्स पड़ जाएंगे, क्योंकि बेसन है तो बेसन जब ठहर जाएगा तो उसमें लम्स पड़ जाएगा। और अपने क्वांटिटी के हिसाब से इसमें थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं, और जब इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ जाए, पक जाए, तब इसमें सारी बड़ियों को हम डाल देंगे। और बड़ी को डालने के बाद भी इसको हम थोड़ा सा थोड़ी देर तक पकाएंगे, और जब 1-2 बॉयल आ जाए तो सब्जी हमारी बनके तैयार हो जाएगी।
और चेंज करते रहना चाहिए कभी कभी, क्योंकि अच्छा लगता है और तभी खाने का जो टेस्ट है वो बना रहता है। और जब बॉयल आ जाए एक दो बार तब इसको गैस से बंद कर देना है और किसी बर्तन में इसको जिसमें सर्व करना है उसमें हम निकाल के और धनिया के पत्ते से इसको हम गार्निश कर देंगे। तो ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को। तो ये था मेरा रूटीन ब्लॉग और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव ऑल ऑफ यू, बाय बाय एंड टेक केयर।